तो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है क्रिकेट अनमोर के फेसबुक पेज पर लाइव। तो आप सबके लिए अच्छी खबर है कि 40 पर मैच शुरू होने वाला है। पूरे 50 ओवर का मैच होगा और अच्छी बात यह है कि आपके पास पूरा भी टाइम बचा हुआ है। दैट मीन्स कि विराट कोहली और केएल राहुल क्रीज पर आएंगे और आपको कुछ ही देर में मैच शुरू होता दिखेगा। तो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए अपने सवाल भेज सकते हैं। अच्छी खबर आपके लिए यही है कि बारिश रुक गई है और अंपायर्स ने इंस्पेक्शन के बाद फैसला किया है कि 4:40 पर यह मैच शुरू होने वाला है। तो फाइनली, जैसा कि मैंने आपको 3 बजे भी अपडेट दिया था कि उस समय मैच होना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बारिश हो रही थी, और जब बारिश रुकी है तो आप सबको पता है कि श्रीलंका का जो सुपर स्टॉपर स्पोर्ट्स स्टाफ है वो कितना शानदार है, वो कितनी जल्दी मैदान को साफ कर देते हैं, सुखा देते हैं। तो ऐसी फैसिलिटीज़ बहुत कम देशों में, लेकिन उसी का फ़ायदा हमें आज मिल भी रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान का बड़ा मैच हमें आज होता दिखेगा। पूरे 50 ओवर्स का मैच होने वाला है। शायद उम्मीद की जाएगी कि दोबारा रेन इंटरप्शन ना आए, क्योंकि अगर दोबारा बारिश आती है तो फिर कहीं ना कहीं मैच शॉर्ट होगा, क्योंकि जो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला था, अगर पूरे 3 बजे मैच शुरू हो जाता तो हमारे पास एक लग्जरी होती कि बीच में बारिश आती भी तो भी ओवर्स कट डाउन ना होते। लेकिन अभी ऐसा होने वाला है कि अगर दोबारा रेन आती है तो एक चांसेस यहाँ पे ये आ जाएंगे कि आपके पास ओवर्स आपको रिड्यूस करने पड़ेंगे, और हो सकता है अगर ज़्यादा देर बारिश रही तो दोबारा भारत बैटिंग ही ना करे। तो कई सारी चीज़ें हैं, फिलहाल निगाहें इसी बात पे रहेंगी और हर भारतीय इस समय यही दुआ कर रहा होगा कि दोबारा बारिश ना आए। मुकुंद गांधी, आशीष सेठ, विकास शेख, आप सभी लोगों का स्वागत है। कोई और सवाल है आप लोगों का तो प्लीज़ आप लोग भेज सकते हैं। वेलकम वेलकम हाफिज़ उमर। तो अच्छी खबर आप सबके लिए यही है कि 4:40 पे मैच शुरू होने वाला है, पूरे 50 ओवर का मैच होने वाला है। तो पूरे 50 ओवर एंजॉय कीजिए और साथ साथ में फिंगर्स क्रॉस रखिए, क्योंकि बारिश दोबारा आई तो ओवर्स कम हो सकते हैं। तो विराट कोहली कितना स्कोर करेंगे आज, कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप लोग बताइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि विराट टिके हुए हैं तो वो एक छोर पे संभाले रखेंगे, वहीं दूसरे छोर पे केएल राहुल शायद थोड़ा अटैक करते हुए दिखेंगे, क्योंकि आपके पास 8 विकेट बचे हैं तो यहाँ से आपको काफ़ी बड़ा स्कोर दिख सकता है अगर पूरे 50 ओवर भारत खेलता है और शुरुआत में विकेट अगर नहीं गिरते हैं तो। हालांकि मॉइस्चर होगा, बारिश हुई है तो शुरुआत में आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं तेज़ गेंदबाज अगर शाहीन, हारिस रौफ या नसीम, इन तीनों में से स्टार्ट करते हैं कोई दो तो आपको दिखेगा। मनीष, अभी तो तैयारी हो रही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं विराट कोहली और बाकी खिलाड़ी मैदान में, और उम्मीद यही की जा रही है कि अभी दोबारा रेन इंटरप्शन ना आए कोई भी। चलिए, जय गोगा दिनेश ने बोल दिया कि 110 बनाएंगे विराट कोहली, मनीष भैया ने कहा 59। अपनी अपनी प्रेडिक्शंस दे दीजिए, एंड में जिसकी प्रेडिक्शन सही हुई तो क्रिकेट एंड मोर की तरफ से उसको स्पेशल प्राइज मिलेगा। सद्दाम कुर्बान, आपका भी स्वागत है। रुबेल, आपका भी। तो बने रहिए हमारे साथ क्रिकेट एंड मोर पर, बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। 4:40 याद रखिएगा, पहली गेंद डलने वाली है कल के खेल के 24.1 के बाद, यानी कि वहीं से शुरू होगा मैच। ये नहीं कि आप ये सोच के बैठे हो कि पहली बॉल डलेगी, शुभमन गिल और रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। विराट कोहली और केएल राहुल कल ओवरनाइट जो स्कोर था उसी स्कोर से आगे खेलेंगे, और दोबारा अगर बारिश ना आई तो भारत एक बड़े स्कोर की तरफ दिखेगा आपको। विकास, 4:40 यानी कि अब से लगभग 9 मिनट बाद मैच की अगली गेंद डलने वाली है 24.1 के बाद। तो विराट कोहली, बिल्कुल आप लोग अपने अपने सवाल भेज सकते हैं। इस साहिर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि क्या पिच में कोई चेंज है। बिल्कुल चेंज आया होगा क्योंकि बारिश हो रही है लगातार, तो शुरुआती आज के जो 4-5 ओवर होंगे वहाँ पे आपको दिखेगा कि शाहीन अफरीदी या नसीम शाह जो भी बॉल करेगा उनका बॉल ग्रिप होगा और शायद सीम भी हो सकता है। तो देखना होगा कि शुरुआत में अगर भारत विकेट ना गंवाए, विराट कोहली और केएल राहुल अगले 5-10 ओवर खेल जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक बड़ा स्कोर दिखने वाला है आज। तो गर्वित, वेलकम वेलकम एवरीबडी। तो हम इसी दुआ के साथ इस लाइव को ख़त्म करते हैं कि भारत कम से कम 300-350 के बीच एक स्कोर बनाएगा और बाद में पाकिस्तान को इससे पहले रोक देगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ क्रिकेट एंड मोर पर। थैंक यू सो मच।